बर्थडे नहीं। तो समय हो गया, दिन के 2:30 बज गए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मेरे साथ है महेश और मैं। इसी के साथ ब्लॉग की भी शुरुआत कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। उम्मीद और आशा आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर में, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के साथ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। गाड़ी तो अभी पूरी गीली हो चुकी है और पूरे भीग जाएंगे हम इसमें। अभी आराम से स्टैंड ऊपर कर ले इसको। छाता बंद नहीं करेगा? ऐसे नहीं यार, छाता तो, अरे नहीं, छाता बंद कर दे। अरे मैं कर रहा हूँ तेरे पे ऊपर छाता। नहीं, आगे समय बहुत दिखा यार। तो मैं करूँगा ना तेरे ऊपर छाता। ठीक है, तो आप बैठना। अरे नहीं, ऐसा ज्यादा रिस्क बढ़िया नहीं है, समझा कर। अरे बारिश हो रही, कहीं पत्थर पुत्थर आ रहे होंगे सड़कों में। छाता मैं कर रहा हूँ तेरे पे। सामने से बारिश आ रही है और हम बारिश को चीरते हुए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है अभी, बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन का। और सड़कों की हाल तो बहुत बुरे हो रखे हैं पानी में, और ठंड भी बहुत लग रही है। तो बारिश में कुछ ऐसा है लमगांव मार्केट का व्यू। इधर पे हमारा बैंक है SBI का और नीचे है पिपरोगी गाँव। तो ये है SBI का बैंक और पहले अंदर अपना काम कर लेता है। छाता अंदर ले जाए यार बाहर। तो लमगांव बैंक में तो हमारा काम हुआ नहीं है, जो कि SBI बैंक का था। और हमें जो रुपए भेजने थे एक खाता था ICICI बैंक का, तो उसके लिए चेक लगेगा। हमारे पास चेक था नहीं, कैश था। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे बैंक में और ये लमगांव का एंड है यहाँ पे। इधर से नौकर शुरू हो जाता है महेड़ देवता मंदिर। तो अभी मैं आया था PNB बैंक में और हमने यहाँ से रिसीव तो ले लिए, क्योंकि हमने अभी किसी दूसरे के खाते में रुपये डलवाए हैं। और लमगांव की सबसे बुरी बात यह है कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ बड़ी वाली बस आ गई तो इधर जाम लग जाता है। अभी मैं अपने दोस्त की दुकान मेरे कितने परचून की दुकान है और यहाँ हम अपना उधार क्लियर कर रहे हैं। रुपए दे दे, ठीक है। तो ये है AP भाई, गूगल पे करने 3000 कर लेगा। कर दे यार गूगल पे 3000, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है यार, बारिश। ये हमारा AP भाई है, लमगांव से घर जाने का प्लान है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 8 बज गए हैं और बाहर का मौसम अभी कुछ इस प्रकार से है, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है यार। इतना प्यारा मौसम। ये मेरा सुंदर सा गांव श्यालगी, जो कि पड़ता है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। और ऊपर आप देख सकते हो, आज तो चारों तरफ बादल ही बादल लगे हैं। सारे पहाड़ियों में हल्का सा नीलासपन आपको यहाँ पे दिखाई देगा और धूप भी लगी हुई है। ऐसा नहीं है, आप इस पहाड़ी की चोटी में देख सकते हो, इधर धूप लगी हुई है और इधर पूरी छांव ही छांव है। और आसमान अभी कुछ इस प्रकार से हो रखा है। तो नाउ टी टाइम, पहले चाय गरम कर लेते हैं। मम्मी लगी हुई है नाश्ता बनाने में और हम पीते हैं चाय मटरी के साथ। तो ये है सुबह की चाय और इसके साथ 2 मटरी। समय मेरे गाँव का, आज ऊपर के गाँव सारे गायब हो गए हैं बादलों से। कुछ भी दिखाया तो दे नहीं रहा है, मुझे ही दिखाई दे रहा, तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा फोन। तो अभी इधर तो सारी जगह बादल लगे हुए हैं, लेकिन इस साइड से झंझटी शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीला आसमान आपको पूरा दिखाई देगा, लेकिन इधर भी आपको आसमान अब इधर से खाली होता हुआ दिखाई देगा। मेरे ख्याल से इस पहाड़ी पे हल्की हल्की धूप तो लगी हुई है और थोड़ी देर में इधर गाँव में भी धूप आने वाली है। तो इस प्यारे से मौसम में अगर आप सुबह सुबह टहलने निकल जाओ तो आपकी पूरी दिन की शुरुआत हो जाती है, बहुत ही प्यारी शुरुआत। तो अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं आया हूँ
सड़कों की तरफ घूमने, और अभी दोस्त भी आ रहा है तो पानी के जल्दी बंद होने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा अभी धारे में पानी लेने, क्योंकि पीने का पानी नहीं था। इसलिए ये बंटा, इसे बंटा बोलते हैं पहाड़ियों में, और बंटा लेके जा रहा हूँ अभी अपने प्राकृतिक स्रोत में। और ये प्राकृतिक स्रोत का पानी, और सर्दियों में यहाँ का पानी एकदम हल्का सा ऐसा लगता है आपको कि गर्म होगा और बहुत ही प्यारा, और गर्मियों में एकदम ठंडा। दिन के 1 बज गए हैं और मौसम कुछ इस प्रकार से, अभी क्योंकि सुबह जितने बादल लगे थे और पूरे छंट गए हैं, और अभी धूप लग रही है बहुत प्यारी। बलान भी पहाड़ों में इस प्रकार से मनाई जाती है शादी की सालगिरह, पहली सालगिरह है भाई जी की। तो यहाँ पे महेश डेकोरेट कर रहे हैं अभी केक को, लगा हुआ है महेश जो कि हमने लाया था किराए पे, लगा दे तुम सारी कैंडल वगैरह, ठीक है। अब जलाएगा कौन से? तुम जलाएगा? तो केक वगैरह सारे सज रखे हैं यहाँ पे, अच्छा सा डेकोरेट हो रखा है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नीरज एंड मनीषा, ठीक है। और बाकी ये है हम सारे स्टाफ लोग। तो थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि अभी तो जाए हैं दूल्हा और दुल्हन सजने के लिए। अभी दूल्हा दुल्हन है क्योंकि उनकी अभी पहली सालगिरह है। तो मेरे साथ सौरभ भी है और बच्चे हैं बाहर पे, और उनके साथ तुम्हें दिखाते हैं कि पहाड़ों में किस प्रकार से मनाते हैं शादी की सालगिरह। तो चलिए बच्चे, अबे चप्पल चप्पल खोलो पहले सारे, चलो बैठो पीछे प्यार से, चलो केक कटेगा समय बैठेगा, बैठो पीछे ऊपर आओ, एच बैठो पीछे जाओ बाबू जन्नी, केक कटोल के बलान दे टू यू, क्या बुलाने? बर्थडे टू यू, बर्थडे नहीं है क्योंकि बर्थडे नहीं, क्या बुलाने? बर्थडे नहीं, शादी की सालगिरह, क्या बुलाने? बधाई हो, बधाई हो, ये पे एनिवर्सरी सा करो तुम बोले, बधाई हो, बधाई हो, क्या बुलाने? क्या बुलाने? भैया तो क्या ये हो, बधाई हो, ठीक है, हैप्पी बर्थडे नहीं बुलाए हैं, चलो पिछा चुपचाप बेटा सभी मिलो ना बाबू, और पिछा गुब्बारे में फटे जो ना आ जाओ ना थोड़ी देर में, जब केक कट जाओ तो पूरा फट दिए। ये है नीरज की छोटी सी लिटिल बेबी, थोड़ा फेस रिवील कर ले बाबू, बाबू बाबू हाय बाय बाय हाय हाय, अच्छु बर्थडे नहीं, बर्थडे नहीं, बर्थडे नहीं, बर्थडे नहीं, बर्थडे नहीं, इधर हाय कर बाबू, बाबू बाबू।